हाँ बताया जी, आप लोगों ने आज संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया, किस लिए किया है? आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखे हैं कि हमारे वीकेएस यूनिवर्सिटी में जो छात्र संघ का चुनाव हुआ पहली बार हुआ है और ये चुनाव 4 महीना लगभग हो चुके हैं। चुनाव करवाने के बावजूद भी हम लोग को कोई भी कॉलेज में छात्र संघ का कार्यालय दिया गया, बस एक प्रिंस हमारे प्रिंसिपल महोदय जी एक कोरम पूरा की है, इसमें कोई भी सुविधाएँ नहीं है। हमारे कॉलेज में तमाम आए दिन हम लोग ने प्रिंसिपल महोदय से हम लोग मिले, बार बार बात किए कि हमारे कॉलेज में ये चीज़ें कमी है। हमारे छात्र आ रहे थे और बोल रहे थे कि हमारे कॉलेज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मुहैया नहीं करवाया गया सुविधाएं, फिर भी छर जो है बस एक छासंग कार्यालय दे दिए, उसमें एक बस अपने पीछे छुड़ाने के लिए, और कार्यालय के नाम पे हम लोग को कुछ नहीं मिला, ना ही यहाँ पे एक सिर्फ एक टेबल है और इसमें 5 चेयर लगा दी है। हमारे जीते हुए प्रतिनिधियों में से सिर्फ 14 लोग हैं जिसमें से 5 चेयर ही हैं, बाकी लोगों के लिए कुछ भी सुविधाएँ नहीं हैं। तो इसे कॉलेज प्रशासन ने क्या मांग करते हैं? हम अपने कॉलेज प्रशासन से यही मांग करते हैं कि मेरे 14 लोगों के लिए ही सारी सुविधाएं का मुहैया करवाया जाए। पंखा भी नहीं है, बॉल भी नहीं लगाया गया यहाँ पे, कोई भी नहीं, ये अलमीरा भी नहीं है, ना ही हमारे टेबल में मैगजीन वगजीन कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा, छात्र संघ नहीं, पानी की व्यवस्था है, नहीं बाथरूम की व्यवस्था है, किसी भी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, जैसे कोरम पूरा कहा जा सकता है। हाँ। तो क्या मतलब कि इसके लिए आप लोगों ने कुलपति महोदय से इसके लिए वार्ता वगैरह किया था पहले? हम लोग आए बहुत दिनों से आंदोलन भी किए थे, इस बार बार हम लोग ने प्रिंसिपल महोदय से मिले, उस पर कोई वो सुनवाई नहीं हुआ। तो आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति यही होगी कि हम लोग आंदोलन करेंगे, यानी अब आगे यदि मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती है छात्र संघ के लोगों को, तो आप लोग कार्रवाई मतलब कि आंदोलन करने के लिए